नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक डेजा का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर पटाखे फोड़ के एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने शौर्य दिवस को पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया। मौके पर विधायक पन्नालाल शाक्य, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राधेश्याम पारेख, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुशील दहीपल्ले के साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अपने व्यक्ति का वाद्य चक्र ऐसे होता है, व्यक्ति मर गए तो देश ऊपर उठना होता और व्यक्ति समझ में देश उठता नीचे गिरता। धन्यवाद भारत माता की। आज बहुत प्रसन्नता का दिवस है। शौर्य दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको देश भर में मना रही है। आप सबको मालूम है कि 2016 में आज ही के दिन हमारे देश के वीर सैनिकों ने आतंकवाद का भंडाफोड़ किया था। आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर उनके स्थान पर जाकर के और उनके जो कैंप थे उनको समाप्त किया था। बंधुओं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सेना कश्मीर के उन आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बराबर लड़ती है। इसे हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए देश में हम रहने वाले सब लोग उनका साहस बढ़ाएं, बल बढ़ाएं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज लाल परेड ग्राउंड पर प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया एक कार्यक्रम, जिसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना था जिससे वे अपने मत का प्रयोग सही से करें। इस उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। पोषण एवं स्वच्छता अभियान को दर्शाया गया। इस प्रतियोगिता में 21 प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रथम पुरस्कार एलिस जैन, दूसरा पुरस्कार किरण ने जीता एवं तीसरा स्थान पूजा ने प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली थी और इसमें छात्र छात्राओं के अलावा अन्य लोगों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज लाल परेड ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम किया गया, गुना का लोगो लॉन्च किया गया। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता, मतदाता जागरूकता एवं पोषण जागरूकता की का मैसेज भी रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से दिया गया। इस रंगोली प्रतियोगिता में 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ये प्रतियोगिता ओपन प्रतियोगिता थी, इसमें स्कूली छात्राएँ भी रही हैं
कुछ आंगनबाड़ी वर्कर्स भी थी, दूसरे लोग भी थे, और इस तरह से 21 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें से प्रथम कुमारी एलिस जैन, द्वितीय कुमारी किरण और तृतीय स्थान पर कुमारी पूजा रजक रही है। पर्यटन पर्व के उपलक्ष में खाद्य विभाग के द्वारा आयोजित किया गया व्यंजन प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में तकरीबन 29 महिलाओं ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे, जबकि प्रतियोगिता में मात्र 15 प्रतिभागी ही पहुंचे। सभी ने अपने अपने तरह के व्यंजन बनाकर सजा के रखे थे, जिसके बाद विभिन्न आयामों को देखते हुए इस प्रतियोगिता में 3 महिलाओं का चयन किया गया। पहला पुरस्कार पूजा अग्रवाल को मिला, जबकि दूसरा पुरस्कार आयुषी अग्रवाल को मिला, वहीं तीसरा स्थान सीमा पलिया के हिस्से में आया। थोड़ा पीछे आना था, हाँ एक बार पूरा खोल ले। आज हमने व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है, और इसके हमने 4 से 5 पॉइंट निर्धारित किए हैं, जैसे साफ सफाई, साफ सज्जा, पौष्टिकता, इसके बेसिस पर मार्किंग होगी, और इसके साथ में जो भी प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें हमने पुरस्कार का भी व्यवस्था की, और जो भी जीतते हैं पुरस्कार भी कितने वन समिति के चुनाव में पर्चा खींचने का आज अंतिम दिन था, जिसको लेकर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। कई लोगों ने अपने नाम हटाए जाने को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई। वहीं उम्मीदवारों का कहना था कि बिना किसी पहलुओं की जांच किए गए उनके पर्चों को निरस्त किया गया है। वहीं एक प्रतिभागी का यह भी कहना था कि यदि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की बात आती है तो पहले समितियों के सुचारू रूप से बनाए जाए, इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे के आगे नहीं आया और न ही अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। आप नीचे भी श्रद्धालु कोई बुराई नहीं बाजी नहीं बनाएंगे डाला था मैंने, हमने मेरा भरा रिजेक्ट कर दिया, और मतलब मेरी मिसेज का नाम है, ये बता रहे हैं मिसेज का नाम है, आरक्षण के चक्कर में तुम्हारा नाम निरस्त हुआ है, मतलब अध्यक्ष में मेरे मिसेज का नाम बता रहे हैं और पूरा इसमें मेरा नाम है। तो किस चीज के लेके आपने आपत्ति लगाई? मुझे अध्यक्ष हटाएगा, आप मेरा भरा रिजेक्ट किया गया, भगवान जी का ये बता रहे हैं कि आपकी मतलब है। मेन मुद्दा वन समिति अध्यक्ष हम भी नैया जो, और आज मेरे ख्याल से लगभग 15-20 साल से, जब ये पीआर वन समिति के अधिकार में हम चुनाव नहीं लड़ सकते तो हम अध्यक्ष क्यों है? ग्राम समिति के अध्यक्ष, हाँ हम अध्यक्ष हैं और हम ऊपर का अध्यक्ष नहीं चुनाव लड़ते, हमारे नाम और अध्यक्ष में दीवार भरी गई है, दीवार भरी गई हमारे नाम से, तो हमको अध्यक्ष पद से हटाया जाए ना, मतलब साफ सुथरे लोग रहते ना। उसका सीधा सा मुद्दा ये हमारा, हम उनकी बात में बिल्कुल सहमत हैं कि आप ऐसे आदमी को बिल्कुल हटाए, बाकी जिला अध्यक्ष का चुनाव जब कराया जाए, जब नीचे की समिति सुधार ले पूरी जिले की,
तो ये क्या मतलब आरक्षण को लेके आ रही समस्या आ रही है? नहीं आरक्षण को लेके भी आ रही है और जो अतिक्रमण की आ रही है, के बारे में भी आ रही है। जब आप साफ सुथरे बना रहे हो तो नीचे से बना, सांसद अपराधी अगर सांसद नहीं बन सकता तो पंचायत का पंच भी नहीं बन सकता। तो पहले नीचे से सुधार लिया, जब जिलाध्यक्ष बनाइए, हमारा निवेदन इतना। शहर में शुरू होगा रामलीला का मंचन। कई वर्षों से लगातार शास्त्री पार्क में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसके लिए अलग से मंच तैयार किया गया है। यह रामलीला का 59वां वर्ष है। वहीं इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से रात्रि के समय में की जाएगी। आपको बता दें कि रामलीला का मंचन करने के लिए किसी भी कलाकार को कोई पारितोषिक नहीं दिया जाता, सब अपनी मर्जी से ही रामलीला का मंचन करने आते हैं। रामलीला की स्थापना 1960 में परम श्रद्धे स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह जी पवैया जी वरिष्ठ अभिभाषक द्वारा की गई थी। उन्होंने 1960 से लगातार 50 वर्षों तक इस रामलीला का सफल आयोजन किया। उनका निधन 2010 में हो गया था। इसके पश्चात उनके द्वारा जो नीम डाली गई थी, उस नीम को, इस परंपरा को, हिंदी संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुपुत्र श्री बृजेंद्र सिंह बंटी पवैया जी द्वारा संभाली गई है। और 2010 से बंटी पवैया जी लगातार 8 वर्षों तक इस रामलीला का आयोजन कराते आ रहे हैं और इस वर्ष 59वें वर्ष में इस रामलीला का सफल आयोजन होने जा रहा है। इस रामलीला का आयोजन 2 अक्टूबर मंगलवार को रात्रि 8 बजे से हनुमान जी की आरती से प्रारंभ होगा और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना, प्रथम दिवस शिव पार्वती संवाद से रामलीला का आयोजन होगा। जो व्यास का काम करेंगे श्री भगवान सिंह जी कुशवाहा मावन, वो जो काफ़ी वर्षों से जो राम का अभिनय करते आ रहे हैं, श्री दीपक शर्मा जी मेरे पास में हैं, ये इस वर्ष भी राम का अभिनय करेंगे। मतदाताओं को जागृत करने के लिए लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में सभी को शपथ दिलाई गई कि वह मतदान का प्रयोग अवश्य करेंगे, साथ ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए समय अवश्य निकालेंगे एवं जरूर जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर विशाखा देशमुख, जनपद CEO नीतू परमार, शहर के गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। हाथ सभी के ऊपर उठना चाहिए, सभी फोटो अच्छा आएगा जोर से बोलो वोट करेगा, दूसरा उठेगा वोट और तीसरे में करेगा। सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। अभी जैसे बताए गए थे, बताया गया था 5-7 बार वोट डाल चुके हैं, ऐसे लोग कौन कौन है? महिलाओं में से विशेषकर शहर के जागरूक युवाओं ने आज श्रीराम मुक्तिधाम में स्वयं सेवा की। मुक्तिधाम पहुंचकर सभी युवाओं ने यहां पर साफ सफाई की एवं भारत को स्वच्छ बनाने के लिए शुरुआत अपने ही घर से की जाती है, इस विचार को लेकर इन युवाओं ने यह साफ सफाई की। पूरी कट जाए जब ही आगे
हारून में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकाली गई। शहीद आजम भगत सिंह की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय सनातन धर्मशाला मैदान हनुमान चौराहे पर SUCI के नेतृत्व में एक बाइक रैली का आयोजन रखा गया, जो कि सनातन धर्मशाला हनुमान चौराहे से प्रारंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों से होकर बस स्टैंड पहुंची। यहां कार्यक्रम का समापन रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यक्ति है, नागरिक है, उनका ये फर्ज है कि वो आज छात्र नौजवानों के सामने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे आदर्श को पेश करें, उनकी क्रांतिकारिता को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाए। जब आम आवाम के सामने घोर निराशा का माहौल है, जब नौजवान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज में डूब कर आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र पर्याप्त नौकरी न मिलने के कारण नशाखोरी, गलत रास्तों को चुनाव कर रहे हैं, तब उनके सामने क्रांतिकारियों का एक रास्ता नगर पालिका या अन्य कोई भी जिनके अधिकार में है वो उनकी पूर्ति करवाएं, शहीद भगत सिंह जी का पार्क बनवाएं। मैं उनका समर्थन करता हूं। आज शहीद भगत सिंह जी की हम लोगों को याद करने की जरूरत है। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के जंगल में था, अंग्रेजों के शासन में झगड़ा हुआ था, लोग बहुत त्रस्त थे, परेशान थे, उस समय शहीद भगत सिंह जी ने आवाज उठाई और अंग्रेजों ने इस दबाव को आकर के नहीं कि ये हमको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएंगे, उन्होंने उनको फांसी पर चढ़वा दिया और हमारे देश से उनको अपने फांसी देकर के नहीं स्वर्ग लोक को पधारा। ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे भगत सिंह जी के साथ किया है। आज भगत सिंह जी को हमको याद करने की जरूरत है। भगत सिंह जी ने जो मार्गदर्शन अपनाया, इस प्रकार के कोई भी तानाशाही, कोई भी पूंजीपति। हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। फतेहगढ़ रोड पर ग्राम मोड़का के पास हुआ दो चार पहिया वाहनों का भिड़ंत। आपको बता दें कि मोड़का के पास ही कमांडर जीप और एक कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बैठे सभी लोग घायल हुए। घायलों को जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर गलती किसकी थी। कौन ले गए? अरे 5 मिनट तो आ गई, 5 मिनट हो जाएगी। अरे भर दो आज कब। हाँ नहीं, हम लोग वहाँ से उस साइड से आ रहे थे, साइड से, बट इधर से जो गाड़ी आ रही थी वो अपोजिट साइड चल रही थी और एकदम स्पीड में थी,
और वो जैसे ही अपने सामने आई ना तो बट वो अपन लोग एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि अपोजिट साइड और वो सेम टू सेम दोनों साइड तो क्रॉस केस हो गया। और अब उससे भी अपन क्या कह सकते हैं, सामने वाला निकल गया, गाड़ी छोड़ के चला गया, गाड़ी छोड़ के चला गया। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी ये सर उसकी स्विफ्ट है या इंडिका जो भी है। हाँ हाँ, वो डली हुई है नीचे। तो वो कहाँ गया? अब पता नहीं कहाँ चला गया, एकदम से मिल भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा। अपन क्या कह सकते हैं, अब अन्ना तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कोई हो तो अपन उससे कुछ कहें। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जनों ने लगाया मेगा नेत्र शिविर, जिसमें कई लोग अपने नेत्रों का इलाज कराने पहुंचे। वहीं आंखों से संबंधित और भी बीमारियों की जांच यहां की गई। मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी कि आयोजकों द्वारा संभाली भी नहीं जा रही थी। हालांकि इसमें से कई लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, जिसका कारण यह था कि समय कम पड़ गया था और लोग ज्यादा हो गए थे। म्याना पुलिस द्वारा संजय ग्राम हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। म्याना थाना के अंतर्गत संजय ग्राम में 2 दिन पूर्व हुई हत्याकांड के 3 आरोपी राम सिंह, कल्याण सिंह, गुलाब सिंह निवासी संजय ग्राम को उनके ही गांव से गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त लाठी एवं गैती को बरामद किया गया। आरोपी गणों को JR हेतु न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शेष आरोपी गणों की तलाश जारी है। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों के चलते बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। इस संदर्भ में नगर पालिका के उपाध्यक्ष राजू यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राजू यादव के अनुसार इन दिनों नगर पालिका में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि अन्य विभागों में जो काम शासन के रेट से कम रेट में करवाए जा रहे हैं, उसके बदले नगर पालिका में काम रेट से कई ऊपर ज्यादा करवाए जा रहे हैं, जो कि नगर पालिकाओं के इतिहास में पहली बार इस नगर पालिका में हो रहा है। वहीं जो कुर्सियां 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाती हैं, वो नगर पालिका के द्वारा 5 से 8 हजार रुपए में खरीदी जा रही हैं। इसके साथ ही बताया गया कि गुना में जहां भी टाइल्स और कुर्सियां लगाई जा रही हैं, वो एक ही एजेंसी और एक ही फैक्ट्री की लगाई जा रही हैं। यादव द्वारा बताया गया कि जो काम पहले हो चुके हैं उनके टेंडर अब निकाले जा रहे हैं। जो टेंडर 17 लाख का स्वतंत्र पार्क का निकला था, उसका काम पहले ही हो चुका है, जिसका वीडियो भी राजू यादव के द्वारा दिखाया गया। इसके साथ ही राजू यादव ने नगर पालिका के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी की मिलीभगत से यहां पर सब घोटाले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राजू यादव ने बताया कि शहर में CC रोड के ऊपर रोड डाली जा रही है, जहां जरूरत है वहां नहीं डाली जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। राजू यादव ने बताया कि नगर पालिका ने अभी तक बिजली विभाग का लगभग 7 करोड़ रुपए का बिल जमा नहीं किया है, जिसके पेनल्टी का पैसा आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अध्यक्ष मेरे द्वारा सवालों का जवाब मीडिया और आमजन के सामने दें, जिससे सबके सामने सही और गलत का पता लग जाएगा। का निर्माण कार्य पिछले 1 माह से चालू है। यहाँ 25 तारीख को इसका टेंडर निविदा भी आई है, ये टेंडर कॉपी में है। इसमें 15 लाख रुपए की सीमेंट पोखरी का पेमेंट, 15 या 13 लाख का समथिंग मतलब खबर है मेरे पास, कंफर्म नहीं है, पेमेंट हो चुका। जो रोड अभी डाली गई है वार्ड क्रमांक 16 में अध्यक्ष जी के घर के पीछे भी डाली गई है। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं श्री मनोज दुबे जी पूर्व, उनकी गली में ये CC रोड डाली गई है। अभी भोरा मस्जिद में उस CC रोड का निर्माण कार्य चल रहा है और अपने जैन साहब हैं नगर पालिका में ठेकेदारी करते हैं, उनके घर के सामने अभी CC रोड का निर्माण कार्य चालू होने वाला है। उसमें साइड से उन्होंने वो लगा दिए पटिए। तो आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो काम
इसमें नगर पालिका सीएमओ बोलेंगे कि वो काम का वर्क ऑर्डर है ठेकेदार के पास, तो मैंने वो वर्क ऑर्डर देखा, उस वर्क ऑर्डर से जो 15 लाख का काम है उसमें आप 13 लाख का काम कर चुके हैं और आपको पेमेंट भी हो चुका है। एजेंसी है उसमें कोई से भरे वो ये काम कर रहा है, तो उसमें जब मैंने उनके बात करी तो उन्होंने कहा कि इसका वर्क ऑर्डर मेरे पास है, मेरे द्वारा जब रेगुलर 3 दिन उनसे मांगा गया वर्क ऑर्डर मुझे नहीं दिखाया गया। और इसमें जब मैंने बात की सीएमओ साहब से, उनका कहना है कि वर्क ऑर्डर उसके पास है, तो मैंने उनसे कहा वर्क ऑर्डर है मैं मान रहा हूँ, लेकिन वर्क ऑर्डर उसका है जो पेमेंट आपने कर दिया, वर्क ऑर्डर इसका नहीं है जो निर्माण कार्य आपका चालू है, और अभी आपने जब वर्क ऑर्डर है उस पर तो इसमें विज्ञप्ति क्यों निकाली? अभी 17 लाख रुपये का इसमें काम है, वार्ड नंबर 16 में विभिन्न गलियों में सीसी रोड का निर्माण कार्य, तो इस तरह से ये घुमाते हैं, वो भी मैं आपके माध्यम से ये जनता को और सबको बताना चाहता हूँ। यहीं पर एक और स्थिति, सलुया जी के कार्यकाल में 5 बजट में एक भी पैसे का प्रावधान टाइल्स कुर्सी पेवर्स नहीं है, करोड़ों रुपए की खरीदे गए हैं। इसमें नगर पालिका में पीआईसी में जिसे हम कहें कि पिछले दरवाजे से पूरे काम इसमें किए जा रहे हैं, तो वो पिछला दरवाजा पीआईसी है, क्या वो पार्षद में आएंगे तो ये जनता के सामने पूरे पार्षदों के सामने ये मुद्दे आएंगे, लेकिन पिछले दरवाजे से पीआईसी के माध्यम से ये काम किए जा रहे हैं। और निविदाएं कब बुलाई ली जाती हैं, आश्चर्य की बात है कि लेखा जोखा आसंकित शाखा में आज तक नहीं है। और इसमें हम कहें, जैसे अब मैं इसमें बड़ा मुद्दा आपको बताता हूँ कि अभी ये स्वतंत्रता पार्क का टेंडर निकाला गया है 17 लाख रुपए का, ये स्वतंत्रता पार्क का जो 17 लाख का टेंडर निकाला गया है तो ये पूरा निर्माण कार्य पहले ही हो चुका है, ये मैं आपको बताता हूँ। अरे एक बार बता, स्वतंत्रता पार्क है, इसमें वार्ड क्रमांक 16 की रोड़े हैं, वार्ड नंबर 35 के पार्क और सीसी रोड़े हैं, ये मैं कुछ बता रहा हूँ, बाकी इसमें मैं बिल्कुल 8 से 10 कार ऐसे हैं जो पहले ही करा दिए गए हैं। इसमें मैं आपको ये वीडियो भी बताता हूँ, आप लोग जाके उठा लाओगे वहाँ से भी वीडियो, ये स्वतंत्रता पार्क है। इसमें पेवर्स ऑलरेडी लग गए, पहले ही लग गए, 8 महीने पहले लग गए, हाँ 8 महीने पहले ये पेवर्स का निर्माण कार्य, कुर्सी का निर्माण कार्य करा दिया गया है। टेंडर कब हुआ इसमें? टेंडर ये रहा अभी 25 तारीख का, 25/9 काम पहले हुआ, टेंडर कब हुआ? हाँ ये काम 17 लाख का। इसके पीछे कौन है? सीएमओ, बिल्कुल सीएमओ और इंजीनियरों की 60-80 से ही ये पूरे निर्माण कार्य हो रहे हैं। टेंडर किसका हुआ? ये टेंडर उस कंपनी का नाम तो पता नहीं, लगभग ठेकेदार जो वहाँ खड़े होकर काम करा रहा था वो भूपेन्द्र शर्मा था, जो इस समय अध्यक्ष जी का काफ़ी क्लोज है। भूपेन्द्र शर्मा ये निर्माण का ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको तर्क भी देता हूँ, इसमें सीएमओ का तर्क क्या रहेगा, इसमें सीएमओ साहब बोलेंगे कि ये जो पेवर्स का 17 लाख का हमने काम लगाया है, पीछे जगह खाली डली हुई है, मैं उस जगह लगाऊंगा। तो मैं सीएमओ साहब से पूछना चाहूंगा कि स्वतंत्रता पार्क व्यायामशाला तक ही है क्या, पूरा ऐसे अपन जिला पंचायत तक ले जाएंगे ये पूरे पार्क के लिए, इसकी कोई सीमा तो होगी पार्क की? ये उनका तर्क रहेगा। और इसमें हार्ट रोड पे जैसे डिवाइडर की बात आई, हार्ट रोड के जब डिवाइडर का मैंने काम बंद कराया, ठेकेदार ने क्लियर मुझसे कहा मेरे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, अध्यक्ष जी का आदमी हूँ, अध्यक्ष जी ने भेजा है मैं काम कर रहा हूँ, वो काम मैंने जब बंद कराया गया उस बीच में 3 दिन काम बंद रहा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब काम सही था, हाट रोड वाला जो डिवाइडर रेलिंग काट के डिवाइडर जो बना रहे हैं अभी, उसमें भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का कहना था कि जो हरे भरे पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों को इसलिए काटा जा रहा है कि इधर से आने जाने वालों को उस साइड दिखता नहीं था, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हम ये डिवाइडर पौधे हटाकर और ये रेलिंग लगा रहे हैं। अब अध्यक्ष जी का क्या कहना है ये आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। तो मेरा ये मानना है कि जब पूर्व अध्यक्ष ने उस हाट रोड पे जगह कम थी, चौड़ीकरण ज़्यादा था और हरे वाले जो पेड़ थे तो उस साइड आने जाने वाले को लग रहा है कि दिखता नहीं हुआ, तो ये भी वजह रही हो, लेकिन अब क्या वजह है? कहीं ना कहीं हम शहर में देख रहे हैं कि सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड डाली जा रही हैं, और सीसी रोड भी ऐसी डाली जा रही हैं कि उसमें पेमेंट तो 6 इंची का होता है ठेकेदार का, लेकिन मौके पे हम चेक करें तो 3 इंची सीसी डाली जा रही है। शहर में हर वार्ड में ऐसी स्थिति है, शहर में विभिन्न वार्ड ऐसे हैं जहाँ कीचड़ है, रोड़ों की ज़रूरत है,
गरीब परेशान हो रहा है, पानी में निकल रहा है, मेरा खुद का वार्ड है, यहाँ निर्माण कार्य नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं, कीचड़ भरती है, मतलब निकल नहीं पाए लोग, वहाँ सीसी रोड की कोई आवश्यकता अध्यक्ष जी को नहीं दिखती, सीएमओ को नहीं दिख रही, और सीसी रोड के ऊपर मैं ऐसी 50 गली बता सकता हूँ नगर पालिका क्षेत्र में जो सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड डाली गई है, और आप लोग चाहो तो मैं मौके पर बता दूंगा वो पूरी रोड है। डिवाइडर का टेंडर मैंने कलेक्टर साहब से बात की तो उनका कहना है कि टेंडर उन पर है, तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ वो बात कट रही, उसका वर्क ऑर्डर जब भी जो हुआ है वर्क ऑर्डर ठेकेदार ने मुझे नहीं दिखाया, उसमें जब मैं ये मानता हूँ कि आपका वर्क ऑर्डर था तो आपने काम बंद क्यों किया 3 दिन, उस 3 दिन में काला पीला करके टेंडर दे दिया गया बना के, ये चलता है नगर पालिका में, कुछ पेज खाली रखे जाते हैं, तो मेरा बार बार अनुरोध यही है जिला प्रशासन से कि एक बार PIC रजिस्टर अपने हैंड ओवर करके उस PIC रजिस्टर की जाँच की जाए, ये पूरा काला पीला जो है PIC के माध्यम से नगर पालिका CMO महोदय और पूरा स्टाफ कर रहा है। और ऐसी में एक और सबसे बड़ा अभी घोटाला एक और है कि नगर पालिका में शहर में PIC PHE और पूरी लाइट जो लगी हुई है हाई मस्ट हो या फिर गलियों में लाइट हो, इन सब का बिल लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का बिजली विभाग को नगर पालिका को देना है और इस पे पेनल्टी है 1 से 1.5%। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।